प्रेम विवाह करने वाले जीजा की सालिनी गोली मार कर की हत्या। डीआईजी झांसी जोगिंदर सिंह ने घटना स्थल का किया निरीक्षण। हत्यारोपी साला शिवाजी पिस्टल और बंदूक के साथ गिरफ्तार। प्रेम विवाह के बाद जीजा द्वारा साले को फोन पर गालियां देने की आहत से होकर सालिनी जीजा के दिन दहाड़े गोली मार कर की हत्या। दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। ललितपुर पुलिस ने हत्यारोपी साले को किया गिरफ्तार। आरोपी साले द्वारा की गई फायरिंग में जीजा की हुई थी मौत के पर ही मौत। वहीं उसका एक और मित्र भी हुआ था घायल। झांसी मेडिकल कॉलेज किया गया था इलाज के लिए रेफर। तालबेहट कोतवाली परिसर में एसपी ने किया खुलासा। तालबेहट कोतवाली अंतर्गत का मेन कस्बे का मामला। इसमें साले के द्वारा अपने जीजा को जो है वो गोली मारी गई थी। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शिवम परिहार है उनकी मृत्यु हो गई थी और जो दूसरे व्यक्ति है मानवेंद्र वो उसमें घायल हुए थे। उनकी स्थिति बिल्कुल ही नॉर्मल है। उनका इलाज जो है वो चल रहा है। जो इसमें जो मेन मुलजिम जो था शिवाजी जो कि जो मृतक है उनका अपना साला है उसको तत्काल जो है जो हमारी चीता है और जो हमारे चौकी इंचार्ज है इनके द्वारा तत्काल इसको 15 मिनट के अंदर में इसको अरेस्ट जो है वो किया गया था। ये घटना करने के बाद फरार हो गया था तो इसको पूरे तालबेहट क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई थी, चेकिंग कराई जा गई थी। उसी दौरान जो है 15 मिनट के अंदर में इसको पकड़ा गया था। इसके पास से असलहे जो है वो बरामद हुए हैं। इसमें एक तमंचा बरामद हुआ है और एक कंट्री मेड अवैध जो पिस्टल है वो बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। जो इससे जो पूछताछ की गई है तो इसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि इसकी सिस्टर के द्वारा जो है जो मृतक है उनके साथ प्रेम विवाह किया गया था। प्रेम विवाह से ये शुरुआत में नाखुश था लेकिन बाद में जो अभियुक्त है इसकी मदर ने जो है सहमति दे दी थी तो बाद में जो है फाइनली इनके द्वारा टीका भी किया गया था और इस तरीके से शादी जो है वो हो गई थी। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। विगत 15 दिनों में जो मृतक है इनके द्वारा किसी इसको फोन करके किसी गाली गलौज जो है वो किया गया था। उसी के बाद से जो है इनके द्वारा जो अभियुक्त है उसके द्वारा यह कार्य जो है वो किया गया है। इसमें इनको तत्काल अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में जो अग्रिम कार्रवाई है वो प्रचलित है। सर आपराधिक प्रवृत्ति आपराधिक कोई इतिहास इनका नहीं है। ये एक दौर में जॉब करते हैं और केवल गुस्से में आकर के जो गाली गलौज हुई है उस गाली गलौज की वजह से जो जीजा और साले के बीच में गाली गलौज हुई है उसी की वजह से गुस्से में आकर के इनके द्वारा जो है यह घटना कार्य किया गया है। सर असलाह बरामदगी जी असलाह जो है इसमें जो अवैध है जो पिस्टल है और जो तमंचा है ये दोनों बरामद हो गया है और जो इसमें जिंदा कारतूस और जो खोखा है वो सारा बरामद हो गया है और इनको जेल भेजा जा रहा है। सर कितने राउंड फायरिंग हुई है? इसमें जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि इनके द्वारा जो है 3 राउंड जो है वो फायर किया गया था और जो दुकानदार थे उनको गलती से उनका कोई इसका कोई इरादा नहीं था उसको मारने उसको बचाने के लिए जब आए थे तो उसमें उनको ये गोली जो है वो उनको लग गई। सर आसपास के लोग भयभीत हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखिए किसी भी व्यक्ति को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार जो है ललितपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले में जो है 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए हैं। गुंडा जो है 80 से ज्यादा गुंडा की कार्रवाई जो है वो हम लोग कर चुके हैं। गैंगस्टर जो है वो कर रहे हैं। जितने भी पुराने अपराधी हैं उनका लगातार हम लोग सत्यापन जो है वो करवा रहे हैं और जो भी अपराधी टाइप का जो भी व्यक्ति है यदि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खिलाफ ललितपुर पुलिस के द्वारा कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसके लिए मैं पूरी ललितपुर की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी तरीके का कोई भी यदि बात होती है कोई भी समस्या होती है कोई भी आपके साथ कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी गलत काम करता है तो तत्काल आप इसकी सूचना जो है वो 112 पे दीजिए थाने पे दीजिए चौकी पे दीजिए जिसके वजह से जिसके माध्यम से हम लोग बहुत ही जल्दी जो है इस पूरे मामले का निस्तारण जो है वो कर पाएंगे। इसमें मैं धन्यवाद भी जनता को देना चाहूंगा क्योंकि जनता के द्वारा बहुत ही क्विक रूप से जो है इसकी सूचना दी गई थी और उसी के वजह से जो है लगातार पूरे तालबेहट क्षेत्र में नाकाबंदी की गई और 15 मिनट के अंदर में जो है जो अभियुक्त था उसको अरेस्ट किया जा सका। सर आपने पुरस्कार भी दिया है टीम को। इसमें जो हमारे जो चीता है और जो चौकी इंचार्ज है जिनके द्वारा अदम्य साहस दिखाते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए असलहे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है इनको 25,000 रुपए का नगद इनाम जो है और अलग से प्रशस्ति पत्र इनको मेरे द्वारा दिया गया है। सर घायल और मृतक में कितनी गोली लगी?
देखिए जो मृतक है उसको एक गोली लगी है और जो घायल है उनको भी एक गोली लगी है और वो भी बचाने के दौरान जो है वो गोली लगी है। उनकी स्थिति बिल्कुल ही नॉर्मल है, सामान्य है और किसी भी तरीके का कोई खतरा जो है वो नहीं है। सर ये पिस्टल कौन सी थी जो जिससे ये दोनों फायरिंग की है? ये कंट्री मेड जो है, अवैध जो है, ये इनके द्वारा जो है इकट्ठा किया गया था। अब जिसके भी माध्यम से इकट्ठा किया गया था, जहाँ से इनके द्वारा खरीदा गया था, उसको भी हम लोग जो है बहुत जल्दी अरेस्ट करके उसको जेल भेजेंगे। सर जिले में एक के बाद एक हत्याएं हो रही है जिससे आम जनता सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है? देखिए पूरी जनता जो है सुरक्षित है और जो भी घटनाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं परिवार के लोग जो है शामिल हैं। कहीं कई जगहों पे पत्नी और बेटे के द्वारा हत्या की गई है, कई जगहों पे जो है जो पति है पत्नी के द्वारा हत्या की गई है और आज की भी जो घटना है इसमें जो साला है उसके द्वारा ये हत्या जो है वो की गई है। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी तरीके का इस तरीके की घटना ना हो। साथ ही लोगों से भी अपील है कि कई बार विवाद जो है वो उत्पन्न होता है तो विवाद का समाधान जो है वो हर चीज का समाधान है। कोई भी बात होती है आप थाने पे आइए, चौकी पे आइए, उसका 100% निस्तारण जो है वो हम लोग करेंगे। और जो भी अपराधी है यदि अपराध करेगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। धन्यवाद सर।